हेलो फ्रेंड्स, आपने ये फोटो अपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। आप में से कुछ लोगों को इस फोटो को देख के ऐसा लग रहा होगा कि इस छोटी सी फिश को इस जैली फिश ने खा लिया है, या फिर ये फिश जैली फिश के अंदर फंस गई है। बट क्या रियल बात यही है? तो आज हम इस फोटो के पीछे की पूरी रियल स्टोरी को जानेंगे। मैं हूँ काजल बिस्ट और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेशल जोन में। इस फोटो का टाइटल है फिश ट्रैप्ड इनसाइड द जेलीफिश। नंबर में ऑस्ट्रेलियन ओशन फोटोग्राफर टिम सैमुल एंड फ्रेनी पल्मेरिस एक यूनिक सा फोटो कैप्चर किए थे जब वे न्यू साउथ वेल्स के वायरन बे के तट पर गए थे। इस फोटो को सैमुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, मुझे एक जेलीफिश के अंदर एक येलो फिश मिली जो कि वहां फंसी हुई थी। कुछ समय बाद ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सैमुल ये सोच रहे थे कि ऐसा इस फोटो में क्या है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं और इसके पीछे पागल हो रहे हैं। बाद में मरीन साइंटिस्ट ने ये बताया कि कुछ फिशेस का ऐसा नेचर होता है कि वो जैली फिश के अंदर चली जाती हैं। ये फीडिंग, लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जैली फिश को यूज करती हैं। इसके बाद इस फोटो को कंफर्म किया गया और ये बहुत ही यूनिक सी नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि स्मॉल फिशेस और जैली फिश के बीच में होती है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।